Hello everyone, welcome back. So in previous lecture I explained in detail about the sign bar, the use, sources of error, advantages and disadvantages. Let us recall it again. So we discuss about the use of sign bar for larger size component. Okay, how we supposed to measure, then use of sign bar with another method for large size component, placing it above in the top of the component and another in the reverse size. Okay, then the sources of error we discussed and advantages and disadvantages of the sign bar. Okay, now let us look at the next topic, that is about the sign center. Okay, so as the name suggests, as we have seen the lathe center, it is having the sign center. Sign center is basically a sign bar with block holding centers which can be adjusted and rigidly clamped in any position. जो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि sign center में क्या है कि दो rigid blocks है hold जो center को hold करेंगे और उनको हम rigidly clamp कर सकते हैं to any position. These are used for testing of conical work. Center at each end as shown in figure. जो भी conical work होंगे, ठीक है, उनको center करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो यहाँ पे cross, यहाँ पे nut है, ठीक है, जो यहाँ पे roll कर सकते हैं. यहाँ पे top है nut, जो यहाँ पे जो सेंटर है उसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पे कॉनिकल वर्क है, ठीक है, इन द कॉन शेप, उनको अगर हमको टेस्ट करना है तो यहाँ पे साइन सेंटर का यूज कर सकते हैं. दीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल सिंस द अलाइनमेंट एक्यूरेसी ऑफ साइन सेंटर एंश्योर्स दैट द करेक्ट लाइन ऑफ मेजरमेंट इज बीइंग मेड अलोंग द वर्क पीस. जो यहाँ पे साइन सेंटर का यूज की वजह से जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, द सेंटर कैन बी एडजस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ कॉनिकल वर्कपीस टू बी हेल्ड बिटवीन सेंटर. जो यहाँ पे सेंटर है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ कॉनिकल वर्कपीस. कॉनिकल वर्कपीस की लेंथ कितनी है उसके ऊपर हम इसको सेंटर को एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द length of conical workpiece. So and the distance between roller, as we know that, then the other things are similar, that is the sign bar. Okay, now the procedure for setting the work, it is for setting the same as for the sign bar, but the difference is here the conical work is fixed between the centers and the dial indicator is used to check the parallelism very easily, and we can perfectly measure. Here there is one roller pivot and sign bar is placed, and this is the slip gauge height. So which is the yahan pe jo ye hai sign table. Okay, sign table ke upar hum yahan pe place kar sakte hain, which is the most convenient and accurate design for heavy workpiece. Jo heavy workpiece hai unke liye ye sabse कन्वीनियंट और एफिशिएंट वे है मेजरमेंट के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल्फ कंटेन्ड साइन बार हिंज्ड एट वन रोलर एंड माउंटेड ऑन इट्स डेटम सरफेस. यहाँ पे क्या कौन कौन से पार्ट है, यहाँ पे एक सेल्फ कंटेन्ड साइन बार है यहाँ पे टेबल के अंदर, फिर हिंज्ड वन रोलर है, एक रोलर है जो हिंज है यहाँ पे, और माउंटेड ऑन इट्स डेटम सरफेस. यहाँ पे डेटम सरफेस के ऊपर ये पूरा माउंट किया गया है. द वर्क बीइंग हेल्ड एक्सियली बिटवीन द सेंटर्स, वर्क को हमने सेंटर के बीच में यहाँ पे फिक्स किया हुआ है. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी द हाफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वर्कपीस. जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना होगा कि यहाँ पे जो वर्कपीस का जो यहाँ पे एंगल है टोटल एंगल उसका हाफ एंगल होगा. सो द नेसेसरी एडजस्टमेंट इज मेड इन द स्लिप गेज हाइट एंड एंगल इज कैलकुलेटेड. यानी कि जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं और जो स्लिप गेज की हाइट है उसको हम मेजर
कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस सेंटर अरेंजमेंट. नाउ नेक्स्ट देर इज एंगल गेजेस. आफ्टर दिस इज अबाउट द साइंस सेंटर एंड नेक्स्ट वी विल सी द एंगल गेजेस. एंगल गेजेस आर डायरेक्टली यूज एज वी नो दैट द स्लिप गेजेस आर यूज फॉर द लेंथ मेजरमेंट. सिमिलरली द एंगल गेजेस आर सेम एंड दे कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर द एंगल मेजरमेंट. सो द फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल गेज वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर टॉम लिंसन ऑफ NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन 1941. द स्लिप गेजेस आर बिल्डअप to give linear dimension same way as the angle gauges can be built up to give required angle. जहाँ पे जैसे linear gauge dimension के लिए slip gauge हम use करते हैं वैसे angular requirement के लिए angle कोई particular हमको build करना है या फिर measure करना है तो वो उसके लिए हम angle gauges का use कर सकते हैं. Now these gauges enable any angle to be set to nearest about 3 second. So we have seen the minute, degree, minute, and then second up to 3 second, which means very small amount of angle can be measured. And these are pieces of hardened and stabilized steel. वो hardened और stabilized steel के pieces है. The measuring faces are lapped and polished to high degree of accuracy and flatness. जो भी मेजरिंग फेसेस है उनको लैपिंग प्रोसेस से और पॉलिशिंग से उनकी एक्यूरेसी और फ्लैटनेस को बढ़ाया जाता है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड फ्लैटनेस हम यहाँ पे यूज करेंगे. दीज गेजेस आर अबाउट 76 mm लॉन्ग एंड 16 mm वाइड आर अवेलेबल इन 2 सेट्स और इनकी जो साइज है लेंथ है और विड्थ है वो यहाँ पे फिक्स है. लेंथ और विड्थ 76 mm लेंथ और 16 mm वाइड दैट इज फिक्स एंड देर आर पर्टिकुलरली 2 सेट्स एंड द फर्स्ट सेट कंसिस्ट ऑफ 12 पीसीज एंड अ स्क्वायर ब्लॉक. ओके वो एक स्क्वायर ब्लॉक है और 12 पीसीज है इन 3 सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ एंगल्स. यहाँ पे 3 सीरीज है एंगल्स की. यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है 1 का 1 degree, 3 degree, 9 degree एंड सो जो फर्स्ट सेट है वो यहाँ पे 5 जो एंगल है वो डिग्री के लिए है. 1 है 3 9 27 और 41 वो डिग्री के एंगल है. उसके बाद मिनट के एंगल है 1 3 9 और 27. सेम वे सेकेंड के एंगल है 6 18 और 30. इन 3 different sets में ये अवेलेबल. और दूसरा जो सेट है वो 13 pieces का है और एक स्क्वायर ब्लॉक है. और यहाँ पे जो एडिशनल हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ 3 मिनट. ओके जो 3 सेकेंड का जो गेज होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो दिस इज अबाउट द एंगल गेजेस. नाउ लेट अस सी हाउ we are using it. So all the these angle gauges are used in the combination and can be added or subtracted. Unko add bhi kiya ja sakta hai aur hum usme se angle jo hai wo subtract bhi kar sakte hain. The making a large number of combination is possible. So usse hum large number of angle yahan pe wo possible hai. Yahan pe large number of angle hum yahan pe create kar sakte hain और कॉम्बिनेशन भी उससे बढ़ जाता है. ठीक है. ईच एंगल गेज इज एक्यूरेट टू विद इन 1 second एंड इज मार्क्ड विथ एंग्रेव्ड वी विच लोकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड एंगल. जो ये इतनी स्मॉल साइज के होते हैं कि जो इंक्लिनेशन है वो कभी कभार पता भी नहीं चलता तो उसकी वजह से यहाँ पे वी जो है वो एंग्रेव यहाँ पे मार्क किया होता है तो उससे हमको पता चल सके कि जो स्लिप गेज है वो उसकी करेक्ट पोजीशन कहाँ पे है जो एंगल है वो कहाँ पे है. सो ऐसे जब एडिशन करेंगे तो दोनों का एंगल यहाँ पे सम होगा और जब रिवर्स पोजीशन में हम जब ऐड करेंगे ठीक है उन दोनों को ब्रिंग करेंगे तो हमको जो हम कम एंगल चाहिए उसमें से सपोज सब्सट्रैक्ट करना है
सपोज ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री में से हमको 3 डिग्री माइनस करना है, सो यहाँ पे हमको 27 का एंगल यहाँ पे मिलेगा, और अगर ऐड करना है तो यहाँ पे 33 का एंगल यहाँ पे जब पैरेलल रखेंगे तो हमको एडिशन मिलेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो सब्सट्रैक्शन हमको मिलेगा। सो दिस इज हाउ वी यूज द एंगल गेजेस फॉर एंगल मेजरमेंट। नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ एंगल गेजेस। नाउ द एंगल गेजेस हैव बीन वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज फॉर क्विक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बिटवीन टू सरफेसेस। जो दो सरफेसेस है उनके बीच का जो एंगल मेजरमेंट हमको करना है उसके लिए हम इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में, यहाँ पे इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दिस गेजेस इज टू चेक वेदर द कंपोनेंट इज विद इन इट्स ऑफ एंगल टॉलरेंसेस। जो कंपोनेंट है वो ऑफ एंगल टॉलरेंसेस में है या नहीं है, वो फ्रीक्वेंट यूज यहाँ पे हम करते हैं कि जो भी एंगल है वो विद इन ऑफ टॉलरेंस है कि नहीं है। ठीक है, इट्स व्हेन द एंगल इज टू बी मेजर्ड बिटवीन द टू सरफेसेस एक्सिड्स 90 डिग्री, द यूज ऑफ प्रिसीजन स्क्वायर बिकम्स एसेंशियल। जब 90 डिग्री से एंगल बढ़ जाएगा तो प्रिसीजन स्क्वायर का यूज वहाँ पे एसेंशियल हो जाएगा। द रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ देयर लेफ्ट सरफेसेस मेक्स देम पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर यूज विथ कोलाइमेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमको एंगल गेजेस की जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है वो परफेक्टली लेफ्ट है, उसकी सरफेस जो है वो परफेक्टली ग्राउंड है। ठीक है, सो उसको जो ये पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, जैसे कि कोलाइमेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, हम देखेंगे ऑटो कोलाइमेटर आगे। सो उस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंटर है उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो जाता है उनका यूज़। देर आर सर्टेन लिमिटेशन एज वेल, यहाँ पे लिमिटेशन कौन कौन सी है। सो जो ब्लॉक फॉर्म बाय द ब्रिंगिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ दिस स्लिप गेजिंग बिकम बल्की एंड कैन नॉट ऑलवेज बी कन्वीनियंटली अप्लाइड टू वर्क, सो दे आर मोर सुटेबल फॉर रेफरेंस अलॉन्ग विद द अदर एंगल मेजरिंग डिवाइसेस। जो ब्रिंगिंग प्रोसेस से हम ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे सो वो समटाइम्स क्या हो जाते हैं, बल्की हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम कन्वीनियंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि उनका रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अदर एंगल मेजरिंग डिवाइसेस। जो दूसरे एंगल मेजरिंग डिवाइसेस हैं उसके साथ हम रेफरेंस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं एंगल गेजेस। देन द एरर्स आर इजीली कंपाउंडेड व्हेन दे आर रंग इन कॉम्बिनेशन। फिर जब भी हम ब्रिंग करेंगे तो यहाँ पे एंगल की वजह से जो अगर डिस्प्लेसमेंट परफेक्ट नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि एरर है वो इजीली बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एंगल गेजेस एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशन। नाउ वी विल गो ऑन टू द कोलाइमेटिंग डिवाइसेस एंड वी विल सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टुडे एंड वी विल सी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। ब्रीफली वी विल सी द अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द ऑटो कोलाइमेटर। नाउ व्हाट इज ऑटो कोलाइमेटर, हियर यू कैन सी द टेलीस्कोपिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर हियर दैट इज यूज फॉर द एंगल मेजरमेंट। ऑटो कोलाइमीटर इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ऑफ स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस। जो यहाँ पे आप प्रिंसिपल में देख सकते हो कि जो एंगल में अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आएगा तो जो फोकल है लेंथ में उसमें वेरिएशन हमको मिलेगा और उसको हम एंगल के में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो ऑटो कोलाइमेटर है, जो फ्रैक्शन स्मॉल डिफरेंस एंगल में डिफरेंस होगा वो हम मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगुलर मेजरमेंट ऑटो कोलाइमेटर प्रोवाइड अ वेरी सेंसिटिव एंड एक्यूरेट अप्रोच। सो जो यहाँ पे ऑटो कोलाइमेटर है वो अगर स्मॉल वेरिएशन है एंगल में तो उसके लिए हमको एक्यूरेट और वेरी सेंसिटिव भी है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत भी एंगल में चेंज होगा तो भी ये इजीली रिफ्लेक्ट कर पाएगा और उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। नाउ लेट अस सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ऑटो कोलाइमीटर। सो द ऑटो कोलाइमीटर इज एसेंशियली अन इनफाइनाइट टेलीस्कोप
एंड अ कोलाइमेटिंग कॉम्बिनेशन इनटू वन इंस्ट्रूमेंट. एक इनफाइनाइट टेलीस्कोप भी है और एक कोलाइमीटर भी है, जो कोलाइमीटर इज कंबाइंड इनटू वन इंस्ट्रूमेंट. इफ अ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड इन द फोकस ऑफ कोलाइमेटिंग लेंस, इट इज प्रोजेक्टेड एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट. मतलब यहाँ पे कोई भी एक लाइट सोर्स है वो फोकस किया जाएगा, प्लेस्ड इन द फोकस ऑफ कोलाइमेटिंग लेंस, इट इज प्रोजेक्टेड एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में हमको मिलेगा. एंड इफ दिस बीम नाउ स्ट्राइक्स अ प्लेन रिफ्लेक्ट्स विच इज नॉर्मल टू द ऑप्टिकल एक्सिस. अगर ये बीम हमको यहाँ पे, इफ दिस बीम नाउ स्ट्राइक्स अ प्लेन रिफ्लेक्टर, यहाँ पे एक प्लेन रिफ्लेक्टर है उसको स्ट्राइक करेगा, विच इज नॉर्मल टू द ऑप्टिकल एक्सिस. यहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्सिस है, उसके नॉर्मल है. सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग इट्स ओन पाथ एंड फोकस एट द सेम, यहाँ पे सेम पॉइंट ओ के ऊपर ही फोकस करेगा और वहाँ पे ही ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. अगर ये परफेक्टली एट 90 डिग्री है नॉर्मल टू द स्ट्राइक ऑफ द बीम, ओके, इट विल कम टू द पोजिशन. इफ द प्लेन रिफ्लेक्ट इज नाउ टिल्टेड थ्रू सम एंगल थीटा, और हियर देयर इज वन मिस्टेक, इफ द प्लेन रिफ्लेक्शन देयर इज टिल्टेड टू द एंगल थीटा एज शोन इन फिगर, देन द बीम पैरेलल विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू ट्वाइस दिस एंगल, और ये जो बीम है उससे दुगना डिफ्लेक्ट होगा, विल बी टू टाइम्स द थीटा, द डिफ्लेक्शन विल बी टू टाइम डबल. यानी कि जो सेंसिटिविटी है उसी वजह से यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी एंगल में वेरिएशन होगा तो हमको डबल्ड एंगल यहाँ पे मिलेगा. एंड दिस विल ब्रॉट टू द फोकस एट थीटा ओ डैश, जो ओ डैश है वहाँ पे हमको फोकस मिलेगा इन द सेम प्लेस एट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो. जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितना होगा, ओ ओ डैश विल बी एक्स विच विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ इंटू टू टाइम्स द एंगल, सो टू एफ थीटा. सो द एक्स और द डिस्प्लेसमेंट विल बी ओवर हियर वेर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मिरर. और जो फोकल लेंथ है वो हमको मालूम है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमको यहाँ पे पता है, ठीक है, कि कितना जो फोकल है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमको पता है कि कहाँ पे हमको मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट एक्स. सो हम जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं थीटा यहाँ पे, और उसी तरह से ये ऑटोकोलाइमेटर हम यूज कर सकते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए, ठीक है. सो अप टू दिस वी विल कीप टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली. हैव अ नाइस डे.